Hello students, welcome back to the solution series of some basic concepts of chemistry class 11th chemistry. अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसमें टोटल 35 क्वेश्चंस है इसके एक्सरसाइज में, और उनमें से जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन एकदम ईजी है अगर आप सिंपल सिंपल बातें जानते हैं, जैसे मोलर मास, मोल का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मोलरिटी का कॉन्सेप्ट आप अगर जानते हैं, और हल्का सा लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट है, तो ये सब अगर आप जानते हैं अभी जो मैंने बोला, तो आपके लिए सारा क्वेश्चन एकदम आसान होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है गिवन कंपाउंड्स, और गिवन कंपाउंड्स कौन कौन है, एक है H2O, एक है CO2 और एक है CH4। ओके, यानी आपके पास है वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड उसके साथ साथ मीथेन है। ये सब का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ये सब आप 9 से ही जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, तो जो जो एटम्स है उनके मास को रख दिया जाए और सम कर दिया जाए तो उसका मॉलिक्यूलर मास आता है। जैसे H2O का तो आपको 2 है तो 2 × 1 का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, और प्लस कितना 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसका जस्ट डबल कर दीजिए तो 16 हो जाता है। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, मास निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप एटॉमिक नंबर लो और उसको डबल कर दो तो अक्सर आ जाता है रफली 20 तक का ये आ जाता है। कोई कोई इसमें एक्सेप्शन है, वो मैंने थ्योरी वाले में बताया हुआ है। तो ये कितना हो गया, 2 और प्लस 16 18, और इसको U में हम लोग दिखाएंगे, आप AMU लिख सकते हैं, यहाँ पे U यूनिट है, यूनिफाइड मास बोलते हैं। उसी तरह से CO2 का है तो कार्बन का कितना होता है आपको पता होगा, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6, तो इसका डबल कर दीजिए यानी 12, और प्लस अगेन ये कितना है ऑक्सीजन 2, तो 2 × 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, अगेन यहीं पे देखें 16, एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 × 16, तो ये कितना हो गया 12 + 32, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44U। ओके, अगेन यहाँ मीथेन, तो मीथेन में कार्बन जो है उसका कितना हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो सिंपली 12 6 × 12, और अगेन यहाँ पे 4 है हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका 1 ही रन दीजिए, तो ये क्या हो गया 12 + 4 यानी 16U। तो सिंपल था एकदम क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है गिवन एलिमेंट्स का, किसमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट आपको दिया हुआ है, और इसका आपको परसेंटेज कंपोजिशन, और अगर सही सही बोले तो यहाँ पे मास परसेंटेज सिंपली में आपको निकाला, मास परसेंटेज से आप ज़्यादा पहचान में होंगे। मास परसेंटेज क्या होता है किसी भी चीज़ का, मास परसेंटेज निकालना है अगर, तो उस चीज़ का मास बाय टोटल जो है वो केमिकल उसका मास × 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो जैसे मान लीजिए कि हम निकालना चाहते हैं परसेंटेज ऑफ सोडियम, इससे पहले आपको कुछ बातें समझनी होगी। जैसे Na2SO4 का मोलर मास निकालना होगा, या मोलिकुलर मास आप जो बोले, तो मोलर मास अगर देखें Na2SO4 का, वही मोलिकुलर मास, मोलर मास सेम होता है, बस वर्ड अलग है, क्योंकि जब हम मोलर मास बोलते हैं तो वो 1 मोल का होता है, और वही मोलिकुलर मास भी होता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो Na2SO4 का देखिए, तो ये आपको हो जाएगा कितना, तो मोलर लिखें या मोलिकुलर, मोलर मास सिर्फ ग्राम में लिख देंगे, तो ये अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, डबल करके एक जोड़ दीजिए यानी 23 होता है। ओके, अगेन यहाँ पे जो आप देखेंगे वो 2 है तो 2 × 2 × 23 प्लस सल्फर, इसका 16 होता है एटॉमिक नंबर, और डबल कर दीजिए 32, तो 32 और प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 1 = 16, तो ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 46 + 32 + 64, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 142। अगर मोलर मास लिख रहे हैं तो इसको क्या लिख देंगे, ग्राम में, और मोलिकुलर मास तो आप क्या लिख देंगे, यू में। ओके, ये इसका क्या हो गया मोलिकुलर मास, किस चीज़ का, Na2SO4 का, क्यों निकाले हैं, क्योंकि इसका काम आने वाला। अब चलिए हम बारी बारी से सबका निकालते हैं। तो पहले निकाल लें हैं, मान लीजिए परसेंटेज ऑफ सोडियम, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आप मास रखोगे सोडियम का, ओके, यहाँ पर रख दोगे मास ऑफ सोडियम, और नीचे में क्या रखेंगे, तो नीचे में रखेंगे मास ऑफ कंप्लीट जो आपका केमिकल है, कौन है केमिकल, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और हाँ परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। तो मास ऑफ सोडियम कितना होता है वह भी जानते हैं, 23। ओके, तो आप 23, लेकिन इस केमिकल में कितना है, इस केमिकल में निकालना है मास परसेंट, तो इस केमिकल में तो 2 सोडियम है, इसलिए 2 × 23 यानी 46 बाय कितना, तो बाय जो आपका केमिकल का मोलिकुलर मास है यानी 142 × 100। तो ये आप कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, ये ओवरऑल आपको आ जाएगा कितना, 2300 × 71, और ये आपका आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 71 × 3 = 4, और ये 32.4 के लगभग आ जाएगा। ओके,
32.4 के लगभग आ जाएगा, ये आप कर सकते हैं। ओके 32.4 इसका क्या हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, परसेंटेज कंपोजिशन का कोई यूनिट नहीं होता है, दोनों सेम चीज़ का रेशियो है। अगेन आए किसका, परसेंटेज ऑफ सल्फर हम चाहते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो कैसे निकालेंगे, तो अगेन जो सल्फर का इसमें मास है वो सल्फर एक ही था और उसका कितना था होता है 32/142×100। मैं कैलकुलेशन बगल में करके रख लिया हूँ तो इसलिए मैं अब डायरेक्ट ही आपको आंसर बता दिया करूँगा। तो इसका अगेन आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1600/71 और इसको आप कैंसिल अगर करेंगे तो आपको आंसर जो आएगा वो कुछ आएगा 22.6 के लगभग या 22.59, आप इसको लिख सकते हैं 22.6। ओके ये हो गया। उसी तरह से आप लास्ट में देखिए ऑक्सीजन का, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना चाहते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो अगेन जो ऑक्सीजन है उसका मास और वो कितना है, तो वो अगर आप देखेंगे तो है 64, इसमें चार है तो 64/142 जो इसका मास है इंटू 100। ओके अब ये हो जाएगा अगर आप कर दे इसको तो हो जाएगा कितना 32/71, तो ये हो जाएगा 3200/71। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग लगभग आपको आ जाएगा 45.07। ओके एक और तरीका था आपको ये निकालने का, क्या करते हैं आपको इस दोनों का आ गया था परसेंटेज और कितने में 100 में निकाल लेना, तो इसके लिए आप ऐसे भी निकाल सकते थे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कर देते मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और वो किसे आ जाता, तो आप 100 में से माइनस कर देते वो दो ऊपर का जो था उन दोनों का मास परसेंटेज, यानी 22.59 जो कि किसका था ये वाले का, और उसके साथ साथ 32.4 जो कि था सोडियम का, तो इससे भी आपको यही आंसर आ जाता लगभग लगभग 45। तो आप रफली इसको लिख सकते हैं क्या 45%। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है ऑक्साइड ऑफ आयरन का। आयरन का ऑक्साइड बहुत सारा होता है, FeO भी होता है, Fe2O3 भी होता है, ठीक है, तो Fe3O4 भी होता है, तो उसमें कौन होगा ये आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब उसके लिए क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ अगर आप देखेंगे आयरन, तो परसेंटेज ऑफ आयरन जो दिया हुआ है वो है 69.9 एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड में वो दिया हुआ है 30.1। ओके अब इससे क्या हमको मिलेगा, देखिए मास परसेंट दिया हुआ है, अगर मास परसेंट हमको दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं ये लगभग 70 और ये 30 100 हो गया, यानी हर 100 में इतना है। अगर हर 100 में हमको पता चल जाता है तो इससे ये पता चल रहा है हर 100 में इतना है। ओके अब एक बार हमारे पास ये आ गया कि 69.9 ग्राम प्रेजेंट है, आयरन इज प्रेजेंट किसमें, इन 100 ग्राम आयरन ऑक्साइड में, उस आयरन ऑक्साइड का में जिसका हमको फॉर्मूला निकालना है। उसी तरह से 30.1 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस आयरन के ऑक्साइड में जिसका हमको मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है उस 100 ग्राम में, ठीक है। अब देखिए इसको करने के लिए एक बेसिक आइडिया हमको लगाना है, कोई भी जब हम लोग फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता आयरन का ऑक्साइड ही FeO, ये ऑक्साइड लिखा मैंने, या Fe2O3 लिखा, या Fe3O4 लिखा, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे FeO अगर लिखा हुआ है तो इसमें एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है। सिंपल में अगर समझे तो एक मोल है आयरन का, एक मोल है ऑक्सीजन का, इसमें लिखे तो दो मोल है आयरन का, तीन मोल है ऑक्सीजन का, इसमें तीन मोल आयरन का, चार मोल ऑक्सीजन का, इस तरह से। और रियली में ये मोल हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते, इस पूरे अगर मॉलिक्यूल का देखें तो ये हम मोल, समझने के लिए मैं बता रहा आइडिया का। ओके यहाँ पे तीन एटम है आयरन का, यहाँ पे दो एटम है और यहाँ पे एक एटम है, आप ऐसे समझिए। तो इस कंडीशन में ये एक रेशियो के हिसाब से दिया रहता है कि 2:3 का रेशियो है, या 1:1 का रेशियो है, 3:4 का रेशियो है। तो अगर रेशियो निकालना है तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इस मॉलिक्यूल में, जैसे FeO में है, तो एक एक है ना दोनों एटम, तो वो हमको निकालना पड़ेगा। अब ये कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा एटम के नंबर से। ओके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकाले, तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो मास दिया हुआ है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ओके एटॉमिक जो मास होता है उससे, यानी कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा मोल के कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग पहला चीज़ जो यहाँ से निकालते हैं वो है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ओके मैं आपको मोल से क्यों समझाऊँ, मैं बस आइडिया देना चाहता हूँ कि उसी तरह से हमको निकालना है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम अगर निकालना है तो हमको हर 100 में दिया हुआ है तो 69.9 ये हमारे पास आएगा, बाय जो इसका मास है आयरन का, आयरन का कितना होता है 56, तो 56 से आप डिवाइड कर दोगे तो इससे आपको जो आएगा वो आएगा, तो ये आता है 1.248। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं साइड में, देखिएगा यही आएगा 1.248। अब इससे हमको क्या फ़ायदा, इससे आपको पता चल गया कि हर मॉलिक्यूल में 1.248 आयरन है। ओके
अब इसे क्या हुआ, आयरन तो कभी भी 1.2 के में नहीं रह सकता है। जी हाँ सही है, ये हम लोग सिंपलेस्ट निकालने का कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग और सिंपल में जाएंगे। अभी हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हैं कि एक के कंपेरिजन में दूसरा कौन है। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में। उसी तरह से हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, ये किसका है, ऑफ आयरन। उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम किसका, ऑक्सीजन का, ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन का हम लोग निकालने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑक्सीजन हर 100 में कितना है, 30.1, और इसका मोलर मास कितना होता है, 16। तो इसे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका जो ओवरऑल कैलकुलेशन आने वाला है वो है 1.88। ओके तो 1.88। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसका सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो क्या, तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है FeO, इसमें 1:1 है ना, उसी वही सिंपलेस्ट रेशियो, 2:3 है ना, वही सिंपलेस्ट रेशियो है। ओके जो एक दूसरे को डिवाइड करने से आता है, मान लीजिए यहाँ पे रहा होगा 4:6, तो इसको कट करके क्या किया होगा, 4 और 6 रहा होगा, तो 2:4, 2:3, 6 ऐसे किया जाता है ना, वही चीज़ हम लोग अब यहाँ करने वाला है। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलता है, तो जो बड़ा वाला है उससे सबसे छोटे वाले से कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बड़ा वाला एक है, ये 1.88, छोटा वाला 1.248 है, तो वही कर लीजिए। तो हम लोग अगर निकालना चाहते हैं सिंपलेस्ट रेशियो आयरन का, अगेन ऑफ आयरन, तो ये कैसे निकलेगा, 1.248 है, इसको छोटे वाले से यानी 1.248 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये आपको मिल 1 मिलेगा। उसी तरह से अगर आप देखें सिंपलेस्ट रेशियो किसका, ऑक्सीजन का, ऑफ ऑक्सीजन, तो वो भी कैसे निकलेगा, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, तो इसका जो हमारे पास रिलेटिव नंबर निकला है कितना है, 1.88, उसको भी 1.248 से कर दोगे। अब इसे क्या होगा, ये क्यों करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं जिससे कि आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाए। क्यों, बड़े वाले से क्यों नहीं करते, बड़े वाले से अगर करेंगे तो ऊपर में और होल नंबर के अलावा हमारा क्या मोटो है, हमारा मोटो है इसको होल नंबर में बनाना है, क्योंकि कभी भी एटम और मॉलिक्यूल हम लोग जानते हैं कि आधा नहीं हो सकता, 1/4 नहीं हो सकता, 1.2 एटम्स खाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसको होल मिलाने का। और आप बोलेंगे नहीं सबसे बड़े वाले से डिवाइड कर देते हैं तो और छोटा हो जाएगा, तो वो हम लोग नहीं चाह रहे, इसलिए छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। तो ये आप अगर करोगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 1.5। अब अगेन 1 और 1.5 का कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 2:2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, (2:2), तो ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 3, ये सेंस बनाता है, हाँ 1 और 3। ये हम लोग सिंपलेस्ट निकाल रहे थे ना, तो 1:3, ये 1:3 का बहुत सारा मतलब है। ओके कोई चीज़ है अगर 2:6 उसका भी मतलब है 1:3, कोई चीज़ है अगर 3:9 उसका भी मतलब है क्या, 1:3, तो इसीलिए ये हो गया 1 और 3, यानी एक आयरन होने वाला है और 3 ऑक्सीजन। और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, Fe3 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, तो Fe2O3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। यही हमको निकालना था, ये हो गया इसका क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यही भी मैंने लिख दिया हुआ सारा कुछ आपको इतना ही दूर में रखा हुआ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइनली क्या आ गया, Fe2O3। एकदम सिंपल काम था, पहले आपको जो मास दिया हुआ था, मास परसेंटेज, उससे आपको मास लाना था, बाय डेफिनेशन वो हम लोग जानते हैं कितना हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालना है, किसके रिलेशन में, जो दूसरा एलिमेंट है प्रेजेंट उसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। वो आप निकालोगे, और वो कैसे निकालोगे, तो मोलर मास से उससे डिवाइड करके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का कोशिश करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का क्या कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो सबसे छोटा वाला होगा रेशियो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम का, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, उससे हमारे पास आ जाएगा। अगर होल नंबर नहीं आते रहेगा तो, चूंकि ये रेशियो है, रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो आप उसके इक्विवेलेंट बना सकते हैं किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मैं ये नहीं समझा, मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा आपको। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस होगा जब 1 मोल, 3 अलग अलग कंडीशन दिया हो उस कंडीशन में। अब इसके लिए आपको सबसे पहले रिएक्शन का जरूरत होगा कि कब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो आप जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये बैलेंस्ड है, पहले से बैलेंस्ड है ना, एक कार्बन एटम उसके साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, उससे एक जो मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का ये बनता है। और मोल के कंसेप्ट के हिसाब से बोले तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, 1 मोल CO2। एकदम सिंपल है, 1 मोल O2 1 मोल C, एकदम सिंपल है यहाँ तक। ओके अब यहाँ पे दिया हुआ पहला जो केस है, पहला केस में बोला है 1 मोल कार्बन है वो सिंपली एयर में बर्न किया जा रहा है, कोई कंडीशन नहीं दिया, तो सिंपली अगर 1 मोल कार्बन बर्न किया जाएगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, देन 1 मोल CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड, 1 मोल CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके और आपको अमाउंट ही निकालना था, आप सिंपली बोलेंगे 1 मोल। ओके तो हो गया। अब सेकंड देखिए अगर बोल रहा है कि 1 मोल कार्बन बर्न किया गया है इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
अब देखिए, अगर मास के हिसाब से बोले, क्योंकि यहाँ मास दे दिया हुआ, तो ये वन मोल है। ये वन मोल है कहने का क्या मतलब है, तो अगर फिर से एक बार रिएक्शन में लिख दूँ यहाँ पे, और इस केस में हम लोग मास के हिसाब से लिखेंगे क्योंकि मास का जरूरत है। ये हो गया 12 ग्राम, ये कितना है, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे दो है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। और इससे कितना बना है, इससे बना है इसका अगर आप देखेंगे तो 44 ग्राम होता है। वी कैलकुलेट किए थे 12 + 16 = 32, दोनों को जोड़ेंगे 44, तो 12 ग्राम कार्बन से, कार्बन में अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे तो 44 ग्राम CO2 बनेगा। ओके, अगर नहीं प्रेजेंट रहे 32, तो जैसे कि इस कंडीशन में यह 60 ग्राम ही है, तो 16 ग्राम ही है, तो इसमें जो कार्बन प्रेजेंट है वो वेस्ट हो जाएगा, वो बर्न नहीं हो पाएगा कम्प्लीटली। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये 12 ग्राम ही है, ये 12 ग्राम है और ये 16 ही है, यानी हाफ हो गया, तो ये भी जो है वो कितना जलेगा, सिर्फ 6 ग्राम ही जलेगा। और अगर ये हाफ जल रहा है तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो भी कितना होगा, वो भी हाफ ही होगा। तो ओके, तो इसके लिए आप कंडीशन वाइज कर सकते हैं। कैसे कंडीशन वाइज कर सकते हैं, मान लीजिए समझने के लिए तो हम लोग समझ लिए कि 22 ग्राम प्रोड्यूस होगा, पर एज ए फॉर्मेट हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग दो केस यहाँ बना सकते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग मान सकते हैं, वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन जो है कंप्लीटली कंज्यूम किया जा रहा है, थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगेगा, पर मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं कि लेट कार्बन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, लेट कार्बन इज कंप्लीटली कंज्यूम, और ऑफकोर्स वो हो सकता है अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, लेट कार्बन इज कंप्लीटली कंज्यूम। तो अगर कार्बन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो कार्बन है कितना, इसमें लिखा हुआ है 1 मोल, यानी 12 ग्राम, तो 1 मोल है, तो उस कंडीशन में कितना होता है, देन 12 ग्राम कार्बन जो है वो कितना प्रोड्यूस करता, विल गिव 44 ग्राम CO2, जो आप क्लियरली देख सकते हैं अगर पूरा प्रोड्यूस होता। पर यहाँ पे आप केस टू अगर हम लोग देखें, तो केस टू में हम लोग ये लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, और ऑक्सीजन प्रेजेंट कितना है, तो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है 16 ग्राम यहाँ पे, पर होना कितना चाहिए 1 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए, 32 ग्राम। तो अगर ऑक्सीजन कम्प्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, कम्प्लीटली कंज्यूम, या बोर्ड में अगर बनाएंगे तो ऐसे, वैसे आप ये सब नहीं लिखेंगे, सिंपली आप लिख देंगे कि इस तरह से आप लिखेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन है वो कितना दे रहा है, 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन को देखें तो वो दे रहा है 44 ग्राम CO2, ओके 44 ग्राम CO2। उस हिसाब से हमको अगर 1 ग्राम में निकाले, 1 ग्राम ऑक्सीजन का, 1 ग्राम ऑक्सीजन से क्या हमको मिलेगा, तो 1 ग्राम अगर निकाल लेते हैं तो हमको 16 ग्राम में पूछा हुआ है, तो उससे भी हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 44/32, सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो 16 ग्राम का अगर बात करें, क्योंकि पूछा गया 16 ग्राम ही हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा 44/32 × 16, तो 16 × 32, और ये हो गया 22 ग्राम, जो कि मैंने आपको बता भी दिया था पहले भी, क्योंकि ये हाफ है, ठीक है, हाफ प्रेजेंट है अमाउंट, तो ये भी हाफ ही जलेगा और इसका भी हाफ ही प्रोड्यूस होगा, तो सिंपल है, तो 22 ग्राम CO2 विल बी प्रोड्यूस, एकदम सिंपल है। अब बात करते हैं थर्ड की, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ का, उसके बारे में बोला है 2 मोल कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, कोई फायदा नहीं है अगर आप कार्बन के अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो, इसका अमाउंट आप बढ़ा भी दिए, ओके, लेकिन ऑक्सीजन जो है अगेन 16 ग्राम ही है, इसको आप 2 मोल करो, 4 मोल करो, 10 मोल करो, जितना करना है करो, अब जो जलाने वाला है वो बहुत कम है, तो उस हिसाब से जो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा वो अगेन उतना ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसमें जो एक का रिक्वायरमेंट है वो है कितना, तो हर एक के लिए रिक्वायरमेंट है 32 ग्राम का, आप 16 ग्राम ही दे रहे हो तो ये हाफ ही जलेगा ही, 0.5 मोल ही, ओके, सिर्फ 6 ग्राम जलेगा 16 ग्राम के साथ, और आपको कितना देगा 22 ग्राम, अगर कम्प्लीटली कंज्यूम होता तो 44 ग्राम। तो अगेन इस कंडीशन में भी भले ही आप कितना भी दे दो, ये डिपेंड किससे कर रहा है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे लिमिट कर दे रहा है रिएक्शन को। लिखने के लिए आप लिख सकते थे इसमें भी, फर्स्ट केस और सेकंड केस में, तो केस वन ये होता कि कार्बन जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता, लेट कार्बन इज कम्प्लीटली कंज्यूम, तो कार्बन अगर कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता तो आप सिंपली जानते हैं क्या होता, तो उस कंडीशन में हम लोग ऊपर से ही देख चुके हैं रिएक्शन से ही कि 12 ग्राम कार्बन जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, विल प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2 अगर सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन हो, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना 2 मोल, यानी 2 मोल में कितना हो जाएगा 24 ग्राम, तो 24 ग्राम कार्बन कितना प्रोड्यूस करेगा, अगेन ये हो जाएगा इसका डबल, यानी 88 ग्राम CO2। पर आपके सेकंड में जहाँ आएंगे, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन अगर कंज्यूम हो जाता है, ओके, यहाँ पे लेट कार्बन था, ये ऑक्सीजन हम लोग मान लिए हैं, लेट ऑक्सीजन इज कम्प्लीटली कंज्यूम, तो इस केस में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन को लिमिट्स कर देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, तो इस हिसाब से हम लोग ओनली 22 ग्राम CO2 विल बी प्रोड्यूस, सिर्फ 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगेन इसमें आप नहीं समझे तो इसमें आप फिर से वही काम होगा, ठीक है, 32 ग्राम देता है इतना, तो
1 ग्राम इतना देगा, 16 ग्राम इतना देगा, क्योंकि 16 ग्राम ही प्रेजेंट है तो फिर से 22 ग्राम ही CO2 बनेगा। आई होप कि आपको क्लियर है, मैंने बहुत ज़्यादा ही डिटेल में इसको बता दिया। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है, दूसरे मेथड से चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें, मैं इसके लिए दूसरे मेथड से भी आपको बना के प्रेजेंट करूँगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 1.5 की तरफ। अब अगर 1.5 क्वेश्चन का देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन है ये, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें बोल रहा है कि मास जो है सोडियम एसीटेट का, सोडियम एसीटेट आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड जानते हैं ना, CH3COOH होता है, तो यहाँ पे OO रहने दीजिए और यहाँ पे Na दे दीजिए, तो ये हो गया सोडियम एसीटेट। ओके, ये पूरा हो गया एसीटेट, ये रेडिकल एसीटेट और ये सोडियम, तो इसका नाम है क्या, सोडियम एसीटेट। अब इसे हमको क्या जरूरत है, क्योंकि इसे आपको जरूरत पड़ेगा इसके मॉलिक्यूलर मास का। मॉलिक्यूलर मास वैसे इस क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास आपका 82 है, तो एसीटेट। खैर पढ़ते हैं आगे, तो बोला है कि मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 500 ml यानी आधा लीटर ऑफ 0.37 मोलर, ये एम है मोलर सॉल्यूशन, मतलब आपको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसमें इतना मोलरिटी होने वाला है और जो वॉल्यूम होने वाला है सॉल्यूशन का वो सिर्फ 500 ml आने वाला है। दो मेथड पे आप जा सकते हैं, एक अगर आपका यूनिटरी मेथड अच्छा है तो आप बहुत सिंपल मेथड से इसको कर सकते हैं। कैसे, तो इसको आप ऐसे करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास 0.375 मोल है, इसे आप क्या समझते हैं, तो जब भी हम लोग मोलरिटी बोलते हैं तो मोलरिटी सिंपली मीन्स कि एक लीटर में कितना मोल है। ओके, जब भी हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास 0.2 मोलर कोई सॉल्यूशन है, इसका मतलब होता है 2 मोल सॉल्यूशन है हर लीटर में। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 0.375 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब 0.375 मोल्स किसका, इसका CH3COONa यानी सोडियम एसीटेट का प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर में, मोलरिटी का डिफिनीशन से। यहाँ से आप लिख सकते हैं कारण में, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ मोलरिटी, फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी के डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं क्या कि मोलरिटी देता क्या है, कि हर लीटर में कितना मोल प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग मोलरिटी बोलते हैं। तो 0.375 मोल्स प्रेजेंट है किसमें, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या लिख सकते हैं आप किस में, इसको अगर ml में लिखना चाहे तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग चाह कितना रहे, तो हम लोगों को चाहिए 500 ml में कितना है। ओके, तो आप इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विल हैव 0.375 मोल्स ऑफ CH3COONa। तो हम लोगों को चाहिए कितना 500 ml में, तो इसके लिए आप अगेन क्या करेंगे, तो पहले आप 1 ml में निकाल लेंगे, इस 1 लीटर को नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1000 ml को, दोनों सेम होगा ना, क्योंकि 1 लीटर जो होता है वो कितना होता है, 1000 ml के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन विल हैव 0.375 मोल्स ऑफ CH3COONa। ओके, तो यहाँ से 500 मोल, तो पहले 1 मोल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.375/100, तो 500 मिलीलीटर में, तो इंटू 500, तो सिंपली है, तो ये आप कैसे निकालेंगे, 0.375/1000 इंटू ये 500 में, तो 500, तो ये हो जाएगा 500 2 जा, अगर इसको करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन के बाद आपको आएगा कुछ 2 × 0.2 × 2 × 16, ये 0.1875 के लगभग आ जाएगा। ओके, अब ये क्या आया, ये मोल आया कि 500 ml में इतना मोल्स है, पर आपको क्या मोल्स में चाहिए, नहीं, आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मास ऑफ सोडियम एसीटेट, तो अगेन आपके पास मोल आ गया है तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, मास। तो हम लोगों के पास, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का क्या डिफिनेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है कि आपके पास गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। अब यहाँ पे हमको वही गिवन मास निकालना है, कितना मास दिया गया था, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, जी हाँ, 0.1875 गिवन मास है, नहीं वही तो निकालना है कितना मास दिए थे हम, तो गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है, तो मोलर मास 82 क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि मास जो दिया गया था वो था 0.1875 × 82, ये आपको आंसर देगा 15.375 का। ओके, ये एकदम सिंपल मेथड था मेरे हिसाब से। अगर आपको डायरेक्ट मास में ही जाना है तो क्या करें, तो अब डायरेक्ट अगर आपको मास में जाना है तो यहीं पे आप कन्वर्ट कर ले इसको किसमें, तो इसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं यहीं से मोलर मास में, मोल की जगह कैसे करते, तो यहाँ पे आप लिख देते 0.375 × 82, ये देता मास, तो 0.37 × 82 करते तो यहीं पे आपके पास क्या आ जाता, अगर आप करते 0.375 × 82, तो यहीं पे आपको आ जाता 30.75 ग्राम, तो 30.75 ग्राम CH3COONa रहता एक लीटर में। आप उल्टा ले रहे थे कि 1000 ml में कितना प्रेजेंट है, तो 30.75 ग्राम मोल नहीं तब लिखते ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट, तो यहाँ पे आओ
हाफ लीटर में कितना रहता, तो 1/2 कर देते, 30.75/2 अगर कर देते तो यही आपके पास आंसर आता। एक यू मेथड हुआ। दूसरा मेथड है फॉर्मूला बेस्ड। सिंपली आप मोलरिटी को ऐसे जान सकते हैं, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम। ओके, पर लीटर में बात होता है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको आप क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल किसका, उस सॉल्यूट का जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ सोडियम एसिटेट का। तो यहाँ पे आप लिख देते कि मास, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका होता है इसको तोड़ दे, तो गिवन मास जो हमको दिया हुआ है, तो यानी हम मास ऑफ किसका, तो सोडियम एसिटेट, तो Na2SO4 गिवन मास जो है वो हमको निकालना है बाय मोलर मास, यानी मोलर मास ऑफ Na2SO4 बाय वॉल्यूम, और उसको लीटर में करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाता है कि मास, गिवन मास ऑफ Na2SO4 जो आपको निकालना ही है, बाय ये चला जाता ऊपर इंटू 1000, और ये नीचे मोलर मास ऑफ Na2SO4 इंटू भी, ये आपके पास फॉर्मूला आता है। बुक्स में इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखता है कि m इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्यूट जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है b से, तो गिवन मास तो WB इंटू 1000 बाई मोलर मास को m से, m ऑफ b इंटू v, तो ये फॉर्मूले लिखे रहते हैं बुक्स में, इसी चीज़ को लिखा जाता है। खैर मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाया, तो ये आपके पास हो गया। अब ये आपको दिया हुआ था क्या, गिवन मास, नहीं गिवन मास ही हमको निकालना था। मोलरिटी आपके पास था क्या, तो यस मोलरिटी मेरे पास था पहले से ही। कितना मोलरिटी था, तो 0.375, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.375, तो लिख देता हूँ बस कैलकुलेशन, 0.375 इक्वल टू, यहाँ मास हमको निकालना है, तो मास ऑफ Na2SO4 इंटू 1000 सॉरी तो इंटू 1000 बाई मोलरिटी, यहाँ पे ये क्या है, ये मोलर मास, तो ये हो गया 82 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था, तो 500 ml। अब सबका आप कैलकुलेशन कर ले, यहाँ पे आप करेंगे 0.375, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इंटू 82 इंटू 500, और ये नीचे में क्या आ जाएगा, बाय 1000, तो बाय 1000। ओके, तो ये आपको क्या दे देगा, मास जो कि उसमें दिया गया था, वही केस आ गया ना, ये हो गया 241, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो वही चीज़ आपके पास आ जाएगा, कितना, 15.375। तो दोनों मेथड से बता दिया, और अगर बोले तो इसी में आप तीसरा मेथड भी घुसा सकते हैं, ये वाला मास लेके। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और दिक्कत है तो आप बताएं, मैं सेपरेटली भी इस क्वेश्चन को कर दूंगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चे को। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 6 से कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।